जय जिनेंद्र, मैं हूँ डॉक्टर निहाल और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी। अक्सर लोग कहते हैं कि जैन खाना पौष्टिक नहीं होता है, लेकिन क्या यह सच है? आज हम बनाएंगे एक ऐसा खाना जो पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है और जैन नियम के अनुसार भी है। तो आज की रेसिपी में हम यूज करेंगे रागी का आटा। रागी इज गुड फॉर आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और फाइबर्स। बाजरे का आटा भी यूज करेंगे। बाजरा इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज और फाइबर्स होता है उसमें, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और हम पूरा खाना आज बनाएंगे कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए। और बहुत सारी सब्जियां यूज करेंगे, जो दाल यूज करेंगे, जो जिसमें प्रोटीन भी मिलेगा, फैट्स भी मिलेगा, विटामिन्स भी मिलेगा, सब कुछ। तो एक बैलेंस डाइट एक रेसिपी बनाएंगे हम आज। हम लेंगे बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, उसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा सूंठ का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटा हुआ करी लीव्स, और इसमें हम अभी डालेंगे तेल, और बॉईल किए हुए कर्ड में हम इसका आटा गूंदेंगे। पानी का उपयोग नहीं करना है, पूरा आटा हमें दही में गूंदना है, और एक थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना है ताकि हम इसके बॉल्स बना सकें। ऐसे उसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब स्टफिंग के लिए हमें तेल में हींग डालना है, थोड़ी सा हरी मिर्च कट करके। अब ये बॉइल्ड और क्रश्ड मटर और बॉइल्ड और क्रश्ड कॉर्न, इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम डालेंगे इसमें सूट का पाउडर, थोड़ा सा नमक, अभी हमने डाला जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आटे को हमें बॉल बनाना है ऐसे, और उसे थोड़ा सा चपटा करके ऐसे थोड़ी सी लोई बनानी है, और इस लोई में हम डालेंगे अपना स्टफिंग। स्टफिंग को हमें अच्छे से शेप दे देना है ऐसे। ऐसे हमने शेप करके रेडी कर लिया है। अब इसको कोकोनट ऑयल में हम मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अब ये देखिए एकदम क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और स्टफिंग की लेयर बन गई है। अब चटनी के लिए हम एक टमाटर को उबालेंगे पानी में, उसमें हम डालेंगे नमक, सूंट का पाउडर, अब ये डाला हमने जीरा पाउडर, इलायची पाउडर, लौंग का पाउडर और काला नमक। ये उबाल के अच्छे से हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़े से पीनट्स और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम अपने अनुसार पानी डाल के हमें ग्राइंड करना है और इसको चटनी के साथ सर्व कर लेना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट रेसिपी। अब सेकेंड रेसिपी जो है थाली पीठ है। अब ये एक मॉडिफिकेशन है अपनी रोटी का। इसमें हम कद्दूकस की हुई लौकी में ये चार तरीके के आटे डालेंगे, बाजरे का आटा, रागी का आटा, चावल का आटा, गेहूं का आटा। ये सारे बहुत ही हेल्दी आटे हैं, और इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल ग्रीन चिली, अब ये डाला था हमने जीरा पाउडर, क्लोव का पाउडर और इलायची पाउडर, थोड़ा सा तेल। तेल में हम इसको ये लौकी के साथ हम मॉइस्चर में हम उसको बाइंड कर लेंगे। अब ये हमने एक प्लास्टिक लिया है, प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा तेल स्प्रेड किया है, और तेल को हमने अपने हाथ पे भी स्प्रेड किया है ऐसे। लोई बना के हमें अपने हाथ से इसको प्रेस करके शेप देना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है। इसमें हम बेलन का उपयोग नहीं करेंगे, अगर इसको हमें हाथ से ही स्प्रेड करना है। थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं और फिर हाथ पे ऐसे उल्टा पलट के हमें वो प्लास्टिक अलग करना है, और इसको हमें तवे पे डालना है। अब ये जो फट गया है इसको हम वापस हाथ से शेप दे सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। अब इसको हमें सेकना है, इसको हम नॉर्मल पराठे के जैसे सेक कर सकते हैं, जैसे उल्टा करके फिर तेल में या घी में हम इसको फ्राई कर सकते हैं।
दोनों साइड अच्छे से सेकना है। इसके लिए हम ढक लेंगे ताकि वो मॉइस्चर बना रहे इसमें, क्योंकि वो ड्राई नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए, इसलिए एक मॉइस्चर को कंट्रोल में रखना है। तो हम इसको ढक के बनाएंगे। अब इसके साथ हम सर्व करेंगे दाल। तो दाल के लिए हमने ली है तूर दाल। इसमें हम डालेंगे, तूर दाल को धोने के बाद हम डालेंगे लौकी और टमाटर और नमक डाल के हम इसको पका, कुकर में सीटी ले लेंगे। अब दाल हमारी पक चुकी है, इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसमें हम तड़का डालेंगे, जो नॉर्मल तड़का है हमारा, जैसे तेल, जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ते और ग्रीन चिली। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल जिसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है बॉईल होने के बाद। फिर हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, स्वाद अनुसार हम और नमक डाल सकते हैं और सर्व कर लेना है। हम उस चटनी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है।